बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं हुसैन तारिक, आपका होस्ट और शेफ, और प्रोग्राम है रोटी छोटी। ये एक नई किस्म का प्रोग्राम है, एक नया प्रोग्राम है। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं आप लोगों के सामने आऊं और जो मैं सीखा हुआ है मैंने वो मैं आपको सिखाऊं। बट गिवन द फैक्ट के अपॉर्चुनिटी अब मिली है और हम उस प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आप मुझे जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम हुसैन तारिक है और मैं हूँ ज़ुबैदा आपा का बेटा। ज़ुबैदा आपा जो आज हम में नहीं है लेकिन आज हम सब में हैं। जहाँ खाने की बात होती है वहाँ ज़ुबैदा आपा का नाम ज़रूर याद किया जाता है और ज़ुबैदा आपा का नाम होता है। इसी तरह हम आज भी ज़ुबैदा आपा को याद करेंगे, रेसिपीज़ बनाएंगे और आज की पहली रेसिपी जो है वो है खट्टी दाल। अच्छा, खट्टी दाल के साथ कुछ चीज़ें एसोसिएटेड हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि खट्टी दाल हैदराबाद दक्कन की डिश है, नॉट हैदराबाद सिंध की डिश। हैदराबाद दक्कन की डिश है जो हिंदुस्तान का एक शहर है, उसकी डिश है और वो आज हम बनाना सिखाएंगे। उनकी रेसिपी की तरफ, उस डिश की रेसिपी की तरफ चलेंगे। लेकिन सबसे पहले खट्टी दाल के लिए जो आपको दाल चाहिए वो मसूर की दाल होती है, जिसको हम ये पिंक दाल भी कहते हैं। जो नए पकाने वाले होते हैं उसको हम पिंक दाल कहते हैं, और ये वो दाल है जो सबसे आसानी से गलती है। ये दाल आपकी तकरीबन 7 से 8 मिनट में गल जाती है, वेरी अनलाइक चने की दाल जो बहुत देर से गलती है, और काली मसूर की दाल। अच्छा, दाल के लिए थोड़ी सी टिप ये है कि दाल जब भी आप धोएं तो गर्म पानी से धोएं, तो दाल हमेशा जल्दी गलेगी। और दूसरी टिप ये है कि जब दाल को उबालें तो शुरू में नमक नहीं डालें। ये बातें आप नोट कर लें, क्योंकि जब दाल उबालते हुए लोग नमक डाल देते हैं तो दाल का गलने का जो प्रोसीजर और टाइम है वो बड़ा हो जाता है। तो ये दाल है, इसको मैंने उबाल के रखा हुआ है और इसकी ये शक्ल हो जाती है। अगर आप पानी निकालें तो ये शक्ल हो जाती है, ये 8 मिनट के बाद ये वाली शक्ल हो जाएगी दाल की। मसूर की दाल इज़ द ईजीएस्ट टू कुक एक्चुअली, और इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट टेस्टीएस्ट दाल दैट यू कुड एवर फाइंड, जो पल्सेस में दाल की रेंज है ये हो जाती है। इसको हमने पानी में डालकर हमने पीस के ये रखा हुआ है। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने दाल उबाली, दाल उबालने के बाद गर्म पानी से धोई दाल, उसके बाद आपने दाल उबाली, चूल्हे पे जलाई और आपने दाल को उबाल लिया 8 मिनट के लिए। देखा, नमक नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला आपने। जब दाल उबल गई तो ये शक्ल हो गई, इसको पानी के साथ भी देख सकते हैं। फिर आपके पास ब्लेंडर होता है, इंडिया में उसको मिक्सी कहा करते थे। जब 80s में इंडिया में किसी की भी इजाज़त नहीं थी, हर ही इम्पोर्ट्स बनती, हर चीज़ लोकल होती थी, तो उनके यहाँ एक मिक्सी होता था, उसका इश्तिहार भी आता था। वो मिक्सी में आप दाल को ब्लेंड करें पानी डाल के, और वो ये शक्ल हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग प्रोसेस ऑफ खट्टी दाल। ये दाल है आपकी, ये मसूर की दाल जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपने, ये पिसी हुई दाल है, देखें ये शक्ल होती है दाल की। एंड दिस इज़ लाइक द ऑथेंटिक प्योर खट्टी दाल। ओके, इसमें आपने पानी मिलाना है, ये पानी मिलाना है आपने। अच्छा, अब इसकी रेसिपी आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये दाल तो पक रही है, इसके लिए आपको चाहिए अदरक लहसुन, ये पिसा हुआ अदरक लहसुन होता है जो हर घर में होता है, हर घर में फ्रिज में होता है। इसके लिए भी एक टिप है जो मैं आपको बताऊंगा। ये है ज़ीरा भगार के लिए, ये है भगार के लिए आपकी, इसको बुरकी भी कहते हैं, और इसको ये गोल लाल मिर्च जो होती है ये है, और ये ऑप्शनल है। ये आपके पास बारीक कटा हुआ लहसुन है, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये मुझे पसंद इसलिए मैं डालूँगा। और ये कड़ी पत्ता है, ये तो भगार की रेसिपी हो गई भगार के लिए। उसके साथ दाल के लिए आपको सिर्फ लाल मिर्च, हल्दी और नमक चाहिए, दैट्स इट। नमक, लाल मिर्च और हल्दी, दैट्स वेयर द स्टोरी एंड्स फॉर द रेसिपी ऑफ दाल। सही है, अब आपने ये दाल आपकी पक, ये दाल आपकी चढ़ गई है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, एक तरीक़ेकार ये होता है, यह मैं आपको टिप बता रहा हूँ कि ये हमने कड़ी पत्ता जो है इधर हमने रखा, क्योंकि ये घर में हो रहा है तो हम घर जैसी बातें करेंगे। इसमें आपने थोड़ा सा पानी मिलाया, थोड़ा सा पानी मिलाया इसमें आपने। अच्छा, नमक, लाल मिर्च और हल्दी का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, अम्मी जैसे कहती थी कि हसबे जायका नमक, तो ये आपने हसबे जायका नमक मिलाया। ओके, अच्छा, जो लाल मिर्च का हिसाब होता है जिसको हम उर्दू में तनासुब कहते हैं, वो है अगर हमने एक चम्मच, ये बहुत छोटा चम्मच है, अगर हमने एक चम्मच लाल मिर्च डालनी है
तो हल्दी जो होगी वो हाफ़ टी स्पून होगी, यानी हाफ़ टेबल स्पून, हिसाब वही होता है। अगर एक टी स्पून आप किसी चीज़ में लाल मिर्च डाल रहे हैं तो हाफ़ टी स्पून हल्दी होगी, और अगर किसी खाने में धनिए का इस्तेमाल है जैसे कौरमे में, तो अगर लाल मिर्च एक चम्मच है तो दो चम्मच धनिया होगा। यह आपने ये जो मसाला है ये आपने पानी में घोल लिया। इससे क्या होगा कि आपका जब आप मसाला दाल में डालेंगे तो ये जो अलग से एक वो बन जाता है, आपके वो बबल्स बन जाते हैं, चीज़ें बन जाती हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने मसाला इसमें डाल दिया। अच्छा, एक और जो टिप है इसकी, ये है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये है इमली। इमली ये पैकेट में मिलती है, ब्राउन कलर की इमली होती है। आपने इसको गर्म पानी में, हमेशा इमली भी जब आप भिगोएंगे तो गर्म पानी में, पूरा गर्म पानी ना करें कि आपके हाथ जल जाएं, गर्म पानी में ये इमली को का रस निकाल के ये आपने कर दिया है। तो ये आपने इमली का रस जो है तकरीबन एक प्याली इमली का रस भी डाल दिया है। अब आपकी ये दाल जो है ये पक रही है, आप ये शक्ल देखें। अच्छा, ये जो खट्टी दाल होती है ना, इट हैज़ टू बी पतली, इन द सेंस के ये पतली दाल होगी गिवन द फैट कि ये चावलों के साथ खाई जाती है, फुलके के साथ नहीं खाई जाती, ये चावलों के साथ खाई जाती है। तो ये बहुत, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इससे भी पतली करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपने ये दाल इस तरह करनी है। अच्छा, इसकी भी एक टिप है कि जब आपकी आपके लिए के दाल के पकने की कंडीशन क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये खट्टी दाल तैयार हो गई है, आपने दो तीन हरी मिर्चें ऐसे तोड़नी है। मुझे ये पुराना ज़माना याद आ रहा है, आपने ये हरी मिर्चें तोड़ के डाली, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला, बाकी भगार के ही रखेंगे। जब ये मिर्च नरम हो जाएगी, यानी आप फील कर सकें कि हरी मिर्च जो है वो गल गई है, सो आपका जो इमली है यानी जो खट्टा डाला है आपने वो पक चुका है। ये देखें आपकी ये दाल में, ये जैसी हरी मिर्चें पकेंगी आपकी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। जब खट्टी दाल में आप तड़का लगाएं तो इस वाली लाल मिर्च को ना स्याह करें, उसी वक्त ये टेस्ट आता है। ये देखें आपकी जो हरी मिर्च है, अगर आप ये देखें तो ये नरम हो रही है। थोड़ा पानी डालते हैं ताकि थोड़ी और पतली हो जाए, ताकि ये देखें, ये एक टिप है कि अगर दाल उबल रही है और आप चूल्हा हल्का नहीं कर सकते क्योंकि ये नीचे से होगा, तो आपने थोड़ा सा पानी डालना है तो उसका जो 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 ये उबाल है ये कम हो जाएगा। ये आपकी दाल टेक्निकली तैयार हो गई है। इसको हम इधर रखते हैं। अब इसका हम बघार बनाते हैं। बघार बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली घी या तेल चाहिए। अच्छा, पुराने ज़माने में ये मैंने तेल इस्तेमाल किया, ये तकरीबन एक प्याली तेल है। बघार के लिए आपको इतना तेल चाहिए होगा क्योंकि ये दाल तकरीबन पाव भर दाल थी जिसको हमने अभी पकाया है। पाव भर दाल 4 से 6 लोगों के लिए बहुत होती है, मसूर की दाल, बिकॉज़ इट हैज़ अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि ये देखें, ये आराम से चावलों के साथ खाई जा सकती है। बहुत से लोग तो पीते हैं दाल। ये देखें इसमें बबल्स आ गए क्योंकि चूल्हा बहुत तेज़ है। ये आपने ज़ीरा डाला, तकरीबन ये एक टेबल स्पून ज़ीरा है। मिर्च डाली, मिर्च हमेशा तोड़ के डलती है, हम साबुत मत डालें, ये तोड़ के डालें। साथ हमने कड़ी पत्ता किया, और ये लहसुन ऑप्शन है लेकिन ये मैं लहसुन ज़रूर डालता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है। ये देखें आपका ये भगार की, अगर आप मिर्च का कलर देखें तो ये मिर्च का कलर जो है, लुक एट द कलर ऑफ द ऑफ भगार। और ये आपने आपकी ये आपकी दाल तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये छोटा सा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे भी आपके साथ खाना बनाने में बहुत मज़ा आया। रोटी छोटी को ज़रूर पसंद करिएगा और बताइएगा अपनी राय के इजहार से, एंड ऑल्सो अपना फीडबैक दिएगा कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने होस्ट और शेफ़ को इजाज़त दीजिए, हुसैन तारिक, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हंसते बसते रहें, अपने घरों में आबाद रहें, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।